सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, मैं घर से कहीं जा रही हूँ, फिर आपको सब कुछ बताती हूँ, ठीक है? मैं लेट हो गई हूँ। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, मैं जा रही हूँ पठानकोट कैंप में और इधर कुछ भी सुनाई नहीं देगा अच्छे से, तो मैं आपको ना उधर जाके मतलब सब कुछ बताऊँगी, ठीक है? और ये मेरे नए साल का नया टूर है, तो उधर जाके ही करते हैं सारी बात। इधर मेरे को भी सुनाई नहीं दे रहा है एक तो इनकी वजह से, और इधर हम वीडियो वगैरह बना लेते हैं। और पठानकोट, अभी हम पहुंच गया पठानकोट में और आगे बस स्टैंड तक हम जाएंगे पैदल। और बैग बहुत ही ज़्यादा भारी है। हाँ अंकल हमें बोल रहा है कि आप पैदल चलते हैं, मतलब ये बैग उठा के ना थक जाओगे, इतना बड़े बड़े बैग डाले। तो अंकल बोलते कि ऑटो ले लेना था। शिवा तू क्या हंस रही है? तो भी हम मेन रोड पे जा रहे हैं, फोन चोरी ना हो जाए इसलिए मैं डाल देती हूँ, बड़ी मुश्किल। गाइस अभी हम रुके हैं इधर खाना खाने के लिए, तो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतने दिन से मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी, तो मैं बता दूँ कि मेरा फ़ोन ख़राब था और मेरे को फ़ोन कल ही मिला है, वो भी रो धो के फ़ोन मिला है बेचारा बड़ी मुश्किल से। तो हमारा फ़ोन ख़राब हो चुका था, 2 महीने से मैं ऐसे ही फ़ोन के बिना जी रही थी। तो अभी मेरे को फ़ोन मिला है, तो मैंने सोचा है नए साल का मैं रोज़ मतलब डेली ब्लॉग किया करूँगी, रोज़ मतलब कुछ ना कुछ डालना ही करूँगी, चाहे जिसको अच्छा लगे चाहे ना लगे, पर मैं तो डालूँगी ही डालूँगी। और बस और कुछ नहीं है, और शक्ल मेरी गंदी आ रही है, बहुत गंदी होगी। और आप भी मेरे को बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे मेरे नए फ़ोन से, मेरे को ये भी पता नहीं लग रहा मैं क्या बक बक कर रही हूँ, और मेरी दो सखियाँ सुन रही है मेरे को कि ये क्या क्या बक बक कर रही है। तो बाद में करते हैं। हमारा परांठा आ गया है जिसको हम अभी खाएंगे, इन दोनों ने तंदूरी परांठे मंगवाया है। हमारी बस चल पड़ी है परांठे लगे, बस में हम बैठ चुके हैं और पठानकोट में धूप निकली है, इतने दिनों बाद धूप देखी है ना, मतलब धूप देख के पूरा दिल बन गया। अमृतसर पर तो कुछ ही नहीं निकलता धूप ही इतनी, मेरे को देख रहे हैं कि बोल क्या नहीं है, मतलब अमृतसर पे तो धूप भी निकलती ही नहीं है, मतलब उधर की गर्मी भी गंदी है और सर्दी भी गंदी है। धूप देखे हुए हमें महीना हो गया होगा, क्यों भाई शिवानी दीदी ये प्रो प्लेयर है, मैं दिखाऊंगी। अभी हम पहुंच गया धारकला और बस से भी उतर गया, अब हमने कहीं नहीं जाना, बस थोड़ा सा दूर रहा सर हमें लेने आएंगे। वैसे तो हम पैदल भी जा सकते थे पर बैग थोड़ा ज़्यादा भारी है इसलिए सर हमें लेने आ रहे हैं और 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। और अमृतसर पे तो बिल्कुल भी मतलब धूप नहीं निकली, और पता है 1 महीने बाद हमने धूप देखी, मतलब पूरा दिन धुंधी पड़ी रहती है उधर। तो अमृतसर में तो ठंड भी इतनी गंदी है और गर्मी भी इतनी गंदी है, कोई पूछ नहीं सकता, मतलब कोई भी एक जिस ढंग की नहीं है उधर। और इधर इतनी अच्छी धूप लगी है ना कसम से, मतलब कोई सोच नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है आज धूप को देख के। जैसे गर्मी में हम छाँव बारिश को देख के बोल लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी हो यार, मतलब हमें अच्छा लगता है गर्मी में बारिश को देख के, वैसे मेरे को धूप को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद देखी। और ये ना मैंने लिया, मैंने अपने लिए नए लाया, कैसे लग रहा है बताना मेरे को कमेंट करके ज़रूर, ठीक है? गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये हमारा बैग रख रहा है डिक्की में, अकेला मेरा ही बैग है जो इतना भारी है, और सर अभी गया सामान लेने और हम चुपके चुपके से ब्लॉग बना रहे हैं। जी जी हमारे सर की गड्डी आगे देखो, अगर पीछे से आ गए सर जी हमारे तो टेढ़े हो जाना अपने, वीडियो कॉल नहीं है ये व्लॉग बन रहा है। कुछ हम पहुंच गए अपने रूम में और ये दोनों समोसे खाने बैठ गया पहले ही, और हमने बीच वाला रूम लिया क्योंकि इसमें वो धूप आ जाती है, तो पहले वॉशरूम जाके आते हैं, शीशे में अपना खूबसूरत सा चेहरा देखते हैं।
कितने दिनों बाद आई आज मैं। हेलो शालू, शीशे गंदे हो गए, ये भी हमें ही साफ करने पड़ेंगे। तो पीछे पैडल वगैरह रखे हैं, इधर ये जैकेट वगैरह है। अभी हम समोसा खा लेते हैं, समोसे लाया हमें। ये हमारे रूम की अभी हो रही है सफाई 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 सफाई। शादी रुझाइए गद्दे उधर है और सीमा जी लगा रहे हैं झाड़ू। और ये हमारे कपड़े थे, धूप आए एंड शाबाश बच्चा, गुड गर्ल। आज हमें मुर्गा मिला जाएगा खाने को शाम को। हम जा रहे हैं प्रैक्टिस करने और रनिंग वगैरह हमने कर लिया, अब हम करेंगे शैडो वर्क। और हम मिलाते हैं आपको अपने खास मित्र से जो हमको कैसे देख रहा है। आप एक्साइटेड हो? तो ये रहा हमारा सोनू। सोनू गंदे देख लो कैसे देख रहा है तुम लोगों को। हाँ क्यों भाई सोनू? ये हमारा सोनू है भोंजू पुत्र, ये हमारा सोना पुत्र है, सोना पुत्र। हाय कर दो, हाय हेलो हेलो करो सोनू, हेलो ना। ये इधर हम करेंगे अपना शेडो वर्क और ये सोनू गंदा है, हम इससे बात नहीं करेंगे। और वो देखो नीचे ना पानी पूरा सूख गया है, पूरा पानी सूख गया नीचे, हमें बहुत दूर तक जाना। वैसे पिछली बार जब मैं आई थी ना इधर से पानी दिखता था, अभी वो भी नहीं दिख रहा। और इसकी सहायता से हम करेंगे शेडो वर्क। शाम को हमें खाने में मिलेगा मुर्गा मुर्गा मुर्गा, जिसका कत्ल अभी किया गया है हमारे सामने। और मतलब यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है जितनी अमृतसर पे, अमृतसर पे बहुत ज़्यादा ठंड है। और इधर सब सही है। और ये पीछे इन टेबलों को लगा रहे हैं, टेबल लगाने के बाद हम शेडो वर्क करेंगे। और किसी ने मेरा क्या, अगर सर ने मेरा व्लॉग देख लिया तो सर बोलेंगे प्रैक्टिस कम और फ़ोन ज़्यादा चलाती है, और मेरा फ़ोन भी छीन लिया जाएगा फिर। इसमें मैं कितनी सुंदर आ रही हूँ। और हमने कपड़े भी चेंज नहीं किए क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी भी ठंडी है, पर कपड़े चेंज करने का दिल नहीं कर रहा था इसलिए हमने नहीं किए, बस लोअर पहन लिया बस। मेरे को कैसा देख रहा है? हट ए सोनू, सोनू आजा, ए भाव खा, दादा भाव खा रहा है। और चलो हम शेडो वर्क कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो ऐसे करते हैं शेडो वर्क, ऐसे कंधों से लगा के हम भी बैठ जाते हैं। हमने कर लिया, अब हम कर रहे हैं स्ट्रेचिंग। लोग मेरे को पागल समझते हैं पर हम नहीं हैं। तो अब हम कर रहे हैं स्ट्रेचिंग। ये देखो ये हमारी दीदी से कुछ मांग रहा है और वो दे नहीं रहे, तो अभी हम स्ट्रेचिंग कर देते हैं। इन दोनों ने शुरू कर दिया, कोई भी बच्चे नहीं आया, हम ही आया तीन गुग्गे। तेरा नाम सुख। प्रैक्टिस करते करते सर आ गए थे, मैं फ़ोन चला रही थी और सर सीधा हो गए कि तुमने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया नहीं तो मैं आज पकड़ी जाती। तो अभी हम जा रहे हैं खाना बनाने और हम आपको केरला वालों से भी मिलाते हैं। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में तो देखा ही होगा केरला वालों को, तो हम फिर से मिलाएंगे उनके साथ आपको। पहले हम लगाएंगे अपनी कन पट्टी जो हमने ऐसे ही फेंक दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गया। लग नहीं रहा यार, मैंने शूज पहने हैं, कोई बात नहीं बाद में बंद कर देंगे। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर खाना बनाते हैं, दूध बनाना है। चीन कहते सी अंग को बुलाते हैं केरला वालों से। केरला वाले हाय करो, हाय करो, हाय करो, पीछे रह गया, आ जाओ आ जाओ, हाय करो हाय। कौन सी फोन है? इन्फिनिक्स नॉट 30। और बोलो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर, लाइक मेंशन सब्सक्राइब कर लो शेयर कर लो। हाँ और आपने इनको हमारे पिछले व्लॉग में देखा ही होगा,
अब आपने क्या मेरे ब्लॉग देखना छोड़ दिया? अच्छी ब्लॉग है, देखते हो आप? हाँ। झूठ बोल रहे हो। लास्ट ब्लॉग मेरा अभी का लेटेस्ट ब्लॉग कौन सा था? हेयर का। हेयर का नहीं था, वो कुल्लू बना ली का। झूठे। चलो सर देख। तो अभी हम पी रहे दूध, दूध और दूध के साथ हमें मिले दो दो अंडे, जो कि हम खाते नहीं पर खाने पड़ेंगे। क्या करें, भूख लगी है बहुत जोर की। और क्या, और मेरे को आपको बहुत कुछ बताना था, पर पता नहीं मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा कि मेरे को क्या बताना था। मेरे को ये भी बताना था कि मैंने नया फ़ोन ले लिया है, और इतने दिनों से मेरा फ़ोन ख़राब था, मैं उसको भी अपने साथ लेके आई हूँ। वो ना बार बार ऑन ऑफ हो रहा था, ऑन ऑफ हो रहा था, उसमें वो चल नहीं रहा था। पता है मैं इतने दिन कितने, मतलब कैसे मैंने अपनी 2 महीने काटे बिना फ़ोन से। पापा के फ़ोन से FM रेडियो में गाने लगा के सुनती थी मैं, पता है। आज से मैं डेली ब्लॉग डाला करूँगी, चाहे मैं कुछ भी डालूँ पर मैं डाला करूँ। और ये खा लें, बाद में करते हैं आपसे बात। तो अभी हमें खाना भी खुद बनाना पड़ रहा है। और मैंने ये आटा गूंदा है ना, सुरमी हूँ ना। बोलो बोलो, तू काम करती है, बोलो यार, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो अभी ये हमने तवा रख दिया है, और अब हम रोटी बनाएंगे। यार सीमा कुछ तो पूछ लिया कर, तूने पूछ नहीं, तूने क्या करना, ऐसा पूछ ले डब्बा कहाँ पे। बस ये वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस अभी हम बना रहे हैं रोटी। ये हमारा तोवा लग गया है, और ये हमारा, मैंने आटा गूंदा है, जिसकी अब हम अच्छी अच्छी रोटियां पकाएंगे। देख लो कितना काम करती हूँ, है ना सीमा, करती ना काम। हाँ हाँ सुनाई दे। हाँ। और हमारा ब्लॉग बना रहे हैं इस टाइम सीमा जी, सुनाई दे रहे हैं कुछ। इधर बैठ जा के, इधर आ जाओ साथ में, कोई नहीं ऐसे रहने दे, फोन कौन, इधर आ जाओ साथ में, मैं देख रही हूँ। हाँ तो ठीक है। तो ये हमारी देख, आपको अगर ऐसे नहीं कर, ऐसे अगर आपको आरी करने नहीं आती हो तो मैं बता देती हूँ, ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे करके आरी हो जाती है। फिर हम आपको बताएंगे आपका काम आसान करने के लिए, क्योंकि तो हम दो आरी कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसे रखना है इसको, और ऐसे करके करना है, और ये बन गई हमारी दो आरी। एक तीर में दो निशाने, एक चिकन। खाना ये हमें बनाया है चिकन, ये खाना बहुत ही टेस्टी बना है, ज़्यादा टेस्टी भी नहीं है पर ठीक है, मेरा मुंह लाल हो गया है रोटी बना के। तो हम रोटी खा लेते हैं। यार मेरी कमीज में दाग लग गई, अब शायद जाएगा भी नहीं। भैया ने सब्जी देते देते सारी सब्जी मेरे ऊपर ही गिरा दी। अब मैं इसको साफ़ करने जा रही हूँ, इसका पक्का पता नहीं है साफ़ होगी कि नहीं होगी। आज नई पहनी थी मैंने, नए कपड़े पहने थे, वो भी ख़राब हो गए। पहली बार पहनी, और पहली बार इसका स्वागत लग गया। ये बोलता है कि हाँ तू किसी और जगह पे मत पहनना इसको, हमारे पास ही पहन। मैं इसको साफ कर दूँ। हो जाओ जी साफ हो जाओ। और इसका कलर पूरा रेड हो गया, ये साफ ही नहीं हो रही। पीला पीला ही देखो रहा, पीले से रेड हो गया, अब ये साफ ही नहीं हो रही। और मेरी नई नई स्वेटर ख़राब हो गई। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं इधर ही ख़त्म, और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी मैंने इसको एडिट भी करना है, मेरे को बहुत नींद लगी है। तो आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।